हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बलिया रेस्टोरेंट में। बलिया प्लेटफॉर्म नंबर 4 अपडेट वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। बहुत लोग के कमेंट आ रहे थे, यहाँ से सीधा जो है जूम करने पे हम प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे पहुँच जाएंगे। ये सीधी लाइन और प्लेटफॉर्म नंबर 3 से ही प्लेटफॉर्म नंबर 4 को लाइन जा रही है। और जो ये लाइन इधर जा रही है, जहाँ भी केबिन होने की वजह से लाइन आगे नहीं बढ़ पा रही है, ये लाइन निकल के डाउन मेन लाइन में जाएगी। ये नया केबिन यहाँ बन रहा है, तो जिसकी वजह से पुराना केबिन जो है अभी ये वाला तोड़ दिया जाएगा। और यहाँ से सीधी लाइन बलिया के यार्ड को चले जाएगी। यही लाइन वॉशिंग पिट और स्टेबिंग लाइन को जा रही है। ये वाला केबिन तोड़ दिया जाएगा। हम अगर इधर बलिया की तरफ चले, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 4 अपडेट है ये, तो हम इधर ही के साइड जाएंगे। अब देखेंगे तो मेरे जिस लाइन पर अभी मैं आया, उसके बाद लेफ्ट में एक और लाइन है। ये डाउन मेन लाइन है जो उधर से आ रही है, बांझी रोड से। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 में जाके कनेक्ट हो जाएगी। वहाँ पे 2 नंबर एंड है, उसको हटा के उस पर कनेक्ट कर दिया जाएगा। इधर लाइन पीछे, ये जो जिस पे मैं खड़ा हूँ, ये आगे चल के प्लेटफॉर्म डाउन मेन लाइन से ही एक लाइन निकल के आ रही है, उसमें कनेक्ट हो जाएगी। और यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 3 वाली लाइन से ही एक लाइन प्लेटफॉर्म नंबर 4 को आगे जाएगी। आपको दिखाते हैं वो। दोस्तों, जो राइट साइड में लाइन है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 4 जो लाइन आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी। ये यहीं से शुरू हो रही है, इस जगह से। और जो लाइन डाउन मेन लाइन से मिलने वाली है वो यहाँ पे आके ख़त्म हो जा रही है, मतलब यहीं से इसका स्टार्ट है। और इसके बाद एक और पॉइंट है, वो जो है ये वाली लाइन से प्लेटफॉर्म नंबर 4 वाली लाइन पर कनेक्ट करने के लिए है। आपको आगे दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाली लाइन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 लाइन पे कनेक्ट होगी। ये जो ये पॉइंट बना है यहाँ पे, उस वाली लाइन पे जाके कनेक्ट हो जाएगा। राइट साइड को 4 वाली लाइन पे। वो डाउन मेन लाइन है जो आके यहाँ जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 का एंड है वहाँ पे कनेक्ट होगी। इसको हटा के अभी यहाँ पे फिर से नए स्लीपर्स और 60 kg रेल बिछाई जाएगी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 ही डाउन मेन लाइन होगी इस साइड से। दोस्तों, आप देखेंगे जो राइट साइड में यहाँ से ट्रैक जा रहा है, ये जाके 4 नंबर से मिल गया। और आगे 2 सिग्नल भी आपको दिख रहे होंगे, उनको भी दिखाते हैं। एक प्लेटफॉर्म नंबर 3 का सिग्नल है। पहले प्लेटफॉर्म नंबर 3 की लाइन कर्व के साथ जाके 2 नंबर पे मिलती थी, अब वो सीधी आ जाएगी। सिग्नल यहाँ पे आ गया है। और प्लेटफॉर्म नंबर 4 का लाइन भी तो नया बिछा है, वो तो जो यहाँ से निकल के प्लेटफॉर्म नंबर 4 में जा रहा है आगे। और ये तो डाउन मेन लाइन बन जाएगी, यहाँ के स्लीपर ट्रैक सब चेंज हो जाएंगे। ये फाउंडेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल्स के लिए किया गया है। और यही लाइन सीधे प्लेटफॉर्म नंबर 3 को जा रही है, जिस पे अभी मैं आऊँगा। ये जो है अभी पुराने 52 kg रेल्स के साथ स्लीपर के साथ 2 वाली लाइन है, जो 2 से सीधा आ रही है। इसको अभी चेंज कर दिया जाएगा 60 kg रेल्स में, और ये डाउन मेन लाइन बन जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीधा, थोड़ा सा टेढ़ा होगा क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 2 और मेन लाइन में गैप है, तो उस वजह से यहाँ पर सीधा ये लाइन जाके 2 नंबर पर मिल जाएगी। और 3 नंबर को भी आप देख सकते हैं, वो थोड़ा कर्व के साथ आ रहा है 2 पे, तो अब ये वाली लाइन सीधा 3 नंबर से कनेक्ट होगी। और पीछे वॉशिंग पिट सिल्विंग लाइन से ये लाइन कनेक्ट हो जाएगी। आगे सिग्नल जैसा कि दोनों दिख रहा है, 3 नंबर का सिग्नल इतना बढ़ा के यहाँ कर दिया गया है 4 नंबर के साथ, तो आप समझ सकते हैं कि अब वहाँ से कर्व ख़त्म हो जाएगा 3 नंबर का, जो 2 में जाके मिलता था। 3 नंबर अपना सीधा जाएगा और आगे से जाके डाउन मेन लाइन पर मिलेगा। रोज़ा का WDG 4G के साथ एक फ्रेट खड़ी है हमारे माल गोदाम में, जो फ्रेट है डबलिंग के बाद जो फ्रेट को डाउन साइडिंग है वो भी चली जाएगी अपनी फेफना पे। तो बलिया की माल गोदाम लाइन, ऐसा RTI में बताया गया है कि फेफना जाने के बाद इस लाइन को समाप्त कर दिया जाएगा। ये तो हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 4 लाइन हो गया दोनों सिग्नल्स के साथ, और ये हमारा बलिया का पूरा लाइन हो गया। 1, 2,
तीन चार पाँच छः सात, सात लाइन है। एक मालगोदाम लाइन, फिर प्लेटफॉर्म नंबर वन, फिर मेन लाइन, फिर प्लेटफॉर्म नंबर टू, फिर थ्री, फिर ये और फिर वो, तो कुल मिला के सात लाइन। और यार्ड में तो बहुत सारी लाइन उधर भी हैं। हम आगे बढ़ते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट साइड में एक और सिग्नल है। फिलहाल तो मैं प्लेटफॉर्म नंबर फोर की लाइन पे शिफ्ट हो गया। जो लेफ्ट साइड में सिग्नल आप देख रहे हैं यहाँ पे, वो दो का नया सिग्नल है, प्लेटफॉर्म नंबर टू का। प्लेटफॉर्म नंबर चार जो कि एक कर्व के साथ प्लेटफॉर्म नंबर प्लेटफॉर्म में एंट्री कर रही है ट्रैक्स, तो इसको भी स्टेबल कर दिया गया। पहले अनस्टेबल थी, बहुत सारे शेप इसको दिए गए, अब जाके ये स्टेबल हो गई है। और तीन वाली लाइन इधर है, ये सब इंटरलॉकिंग के वक्त कनेक्ट हो जाएंगी एक दूसरे से, और इंटरलॉकिंग के जस्ट बाद सीआरएस होगा। सीआरएस के बाद हमारा बलिया डबल लाइन सेक्शन हो जाएगा, बलिया फिर ना। अभी हम आगे ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये थोड़ा टेढ़ी लाइन आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर तीन पे। यहाँ पे तीन का सिग्नल है पुराना वाला, जो कि अब लाइन एकदम यहाँ से सीधी चली जाएगी। इन सब सिग्नल बॉक्सेस को हटा दिया जाएगा क्योंकि न्यू सिग्नलिंग हो रही है, तो ये सब बोल्ड हटा दिया जाते हैं और हटा दिया जाएगा और प्लेटफॉर्म नंबर तीन सीधा चला जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पहले पोल्स हुआ करते थे, इस साइड तो बता दिया मैंने सीधा चला जाएगा, इस साइड पोल्स हुआ करते थे, तो जिन पोल्स को भी हटा दिया गया है। अब आगे दिखाते हैं आपको, वहाँ पे गिरा होगा पोल्स और न्यू पोल पे शिफ्ट कर दिया गया है, जो लेफ़्ट साइड हो गए हैं, पहले राइट साइड हुआ करते थे। ये देख सकते हैं आप, एक पोल है जो यहाँ पे हटा दिया गया है, जिसको गिरा दिया गया है, ये ओल्ड पोल है, और न्यू पोल को लगा दिया गया है वहाँ पे पलिया के पास। और ये हमारा प्लेटफॉर्म नंबर फोर, मैंने बताया था वाले वीडियो में कि इस साइड एक्सटेंड होगा और सबसे लास्ट में फिनिश होगा। देख सकते हैं यहाँ पे फिनिश होगा नया प्लेटफॉर्म नंबर फोर, जबकि टू नंबर वहीं पे फिनिश हो रहा है और एक नंबर और पीछे। तो रीज़न था वहाँ पे कम जगह थी, तो यहाँ पे इसको एक्सटेंड करके बराबर कर दिया गया है। बगल में हमारा प्लेटफॉर्म नंबर तीन है, पहले प्लेटफॉर्म नंबर फोर की बाउंड्री साथ में ख़त्म हो रही थी टू के साथ, लेकिन अब उसको एक्सटेंड कर दिया गया, जैसे तोड़ के यहाँ पे देख सकते हैं उसको आगे बढ़ाया गया है वहाँ तक। और अब हम चढ़ते हैं इस पर और आपको दिखाते हैं जो प्लेटफॉर्म नंबर फोर है, यहाँ पे मिट्टी डाल दी गई है, बहुत पहले से डाल दी गई है। इधर ट्रैक्स है हमारा 3273 सहारनपुर का वैगन 9 खड़ा है स्टाफ स्पेशल कोच के साथ बलिया के प्लेटफॉर्म नंबर तीन पे। इसके ऊपर अभी सीमेंटेड रॉक्स इधर नहीं आए हैं, उस साइड तो आ गए हैं। और इस साइड भी पोल्स हुआ करते थे प्लेटफॉर्म नंबर थ्री के ट्रैक्स के राइट साइड, जिसको अब हटा दिया गया है और लेफ्ट साइड न्यू पोल्स लगा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पोल्स गिरा हुआ है। इस साइड से ही छपरा की ओर चली जाता है ये रास्ता, पोल को काट के हटा दिया जाए, हटा दिया गया है पुराने वाले को। दोस्तों हम यहाँ पे आ गए हैं अपने फुट ओवर ब्रिज के पास, आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ ईटा बिछाया जा रहा है, जो कि वहाँ पे ईटा बिछा के उसके ऊपर सीमेंट डाल के पानी भी डाल दिया गया है, लेकिन यहाँ पे ईटा बिछाया जा रहा है बराबर पे। और रीज़न नहीं पता, शायद टाइल्स है। और वो हमारा नया फुट ओवर ब्रिज बलिया का, जो अभी चालू नहीं है, जिस पर काम चल रहा है, जिसको एक साथ डबलिंग के टाइम ही शायद चालू करें।
पूरा प्लेटफॉर्म नंबर 4 तक। ये एकदम बीच का पार्ट है स्टेशन का, तो यहाँ तक तो काम हो चुका है लगभग हमारा फुट ओवर ब्रिज बलिया का अंडर कंस्ट्रक्शन, जिसका बेस, जिसका फाउंडेशन, जिसका अप्रोच प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे भी बनाया गया है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग, तो दोस्तों आपकी डिमांड और वोट के अनुसार हमने प्लेटफॉर्म नंबर 4 की अपडेट्स दोनों साइड से दे दी। और अब आप लोग इंतज़ार करिएगा फेफना रेलवे स्टेशन, सागरपाली रेलवे स्टेशन अपडेट्स को लेकर के। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब फुट ओवर ब्रिज के लिए अप्रोच है, बगल में ट्रैक्स हैं, वो हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, लगे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।